आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव यानी कंपैरिजन, कंपैरेटिव लोअरिंग मतलब कम होना, वेपर प्रेशर यानी कि जो वेपर का जो प्रेशर है किसी भी टेम्परेचर पे उसके अंदर कमी आ जाना। वो कमी कब आएगी? वो आएगी वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, किसी भी द्रव का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है कब? जब हम उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जिसके वाष्प नहीं बनते। तो मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पीएस माने सॉल्यूशन, पी वन नॉट का मतलब है शुद्ध स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर, एक्स वन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, वन स्टैंड फॉर सॉल्वेंट, टू स्टैंड फॉर सॉल्यूट, पी टू नॉट एक्स टू, एक्स टू क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, एक्स वन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। परंतु हम हमारे पास क्योंकि हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला हुआ है तो ये जो टर्म है ये तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि सॉल्यूट तो वेपर बना ही नहीं रहा ना, तो इसलिए इस टर्म को जीरो रख देंगे। तो पी एस बराबर में क्या होगा, पी वन नॉट एक्स वन, पी वन नॉट को इसके नीचे ले जाएंगे और दोनों तरफ में से वन एक में से माइनस कर देंगे। तो हम जानते हैं वन माइनस एक्स वन क्या होता है, एक्स टू, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू वन, एक्स वन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जमा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मैक्सिमम वैल्यू वन हो सकती है इसकी। तो एक्स टू वन माइनस एक्स टू, एक्स टू आ गया। तो ये हमारा, अगर इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करें, पी वन नॉट माइनस पी एस बटा में पी वन नॉट इजल टू एक्स टू, ये जो टर्म है पी वन नॉट पी एस बटा पी वन नॉट, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आइए हम सिद्ध करते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, पी वन नॉट पी एस पी वन नॉट इजल टू एक्स टू, एक्स टू क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी एन टू डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। चूँकि हमारे पास एन टू की जो वैल्यू है वो बहुत ही कम है एन वन की अपेक्षा में, तो इसको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम लिख लिया एन टू बाई एन वन। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एन टू के। एन टू माने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यही परिभाषा होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इसी को कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हैंड्स प्रूव्ड।